अगर कोई कैफे में जाते हैं तो आपको इस तरह से मल्टीग्रेन कुकीज और केक अक्सर दिखाई देंगे, लेकिन वो कैफे में बहुत ही महंगे मिलते हैं। आप समझो कि एक जो पीस मिलता है उससे भी कम खर्चे में आप पूरे घर के लिए एक केक बना सकते हैं। ये केक खाने में बहुत ही बढ़िया है, आप इसे टी टाइम केक भी बोल सकते हैं। अगर आपको हेल्दी वर्जन खाना है केक का तो आप ये रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं मल्टीग्रेन केक। तो दोस्तों, ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम घर पे ही मल्टीग्रेन आटा तैयार करेंगे। आप चाहे तो मार्केट वाला जो आटा आता है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो देशी काले चने आते हैं उसका आटा लिया है। ये आपको मार्केट में रेडीमेड मिल जाएगा, आजकल ऑनलाइन भी मिल जाता है, और अगर आपके पास नहीं है तो सत्तू है आपके पास तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जो काले चने आते हैं इसे आप भिगो कर सुखा दे और फिर उसका पाउडर तैयार कर ले। इस तरह से आप इसे मिक्सर जार में भी बना सकते हैं। तो मैंने इसे छान लिया है। अब डालेंगे हम 1 कप ज्वार का आटा। ये सारे आटे मार्केट में ऑनलाइन और प्रोविजन स्टोर में दोनों ही अवेलेबल है, और इसे हमें छानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सारे जो आटे होते हैं वो दरदरे होते हैं, उसका जो टेक्सचर होता है वो मैदे जैसा महीन नहीं होता है। तो इसे हमें छानना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से इसके अंदर हवा भी भरेगी और हमारी जो केक है वो बहुत बढ़िया बनेगी, और इस तरह से इसका जो दरदरा पाउडर बच जाएगा उसको हमें निकाल देना है। अब उसके बाद हमें लेना है 1 कप रागी का आटा, इसे नाचनी भी कहा जाता है, और सारा मेजरमेंट आपको कप से ही करना है। और अगर आप वजन में ले रहे हैं यानी कि ग्राम में ले रहे हैं तो सभी जो आटे हैं उसका जो वेट है आपको समान मात्रा में रखना है। अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो चारों आटे आपको 100 ग्राम लेने हैं। तो इसे भी मैंने छान लिया है। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे 1 कप जौ का आटा, जिसे बार्ली भी बोलते हैं, उसे भी हमें छान लेना है। अगर सर्दियों का मौसम है तो आप इसके अंदर बाजरे का आटा भी मिला सकते हैं, भी जौ का आटा आप निकाल दें। तो कोई भी 4 आटे इस तरह से अलग अलग आपको समान मात्रा में लेने हैं, और इस तरह से तैयार हो जाएगा आपका मल्टीग्रेन आटा। आप चाहे तो इसकी रोटियां भी बना सकते हैं, और इस तरह से ये तैयार करके अगर आप रखते हैं तो फटाफट से आपकी केक तैयार हो जाएगी, या फिर आप मार्केट वाला जो मल्टीग्रेन आटा है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चारों जो आटे हैं उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि इवनली वो मिक्स हो जाए और केक जब आप बनाए तो बहुत ही बढ़िया सा उसका टेस्ट आए। ये आटा अगर आप बाहर रखते हैं तो 1 महीने तक बिल्कुल खराब नहीं होगा। फ्रीज में अगर आप इसे स्टोर करेंगे तो 2 से 3 महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल करके आप ब्राउनी बना सकते हैं और बहुत सारी केक कुकीज इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो अभी हमारा आटा तैयार हो चुका है। तो 1 कप मैंने गेहूं का आटा जो हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं, और 1 कप मैंने मल्टीग्रेन आटा जो हमने तैयार किया था वो लिया है। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसके अंदर डालेंगे 1 कप ऑयल। आप ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं, बस उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए। तो आप मूंगफली और सरसों के तेल का इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है जिसके अंदर स्मेल बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आज हम रोज फ्लेवर वाली केक बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आधा कप गुलकंद लिया है। आज की ये केक में हम दोस्तों बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल में लेने वाले हैं। तो आप मार्केट में जो रेगुलर केक मिलती है वो खाते हैं, उससे कहीं ज्यादा ये बेटर बनेगी टेस्ट में और बहुत ही हेल्दी भी रहेगी। इसमें हम आधा कप मिश्री मिला रहे हैं। आप चाहे तो पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं या फिर आधा कप जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे हम स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर है दोस्तों तो आप उससे भी इसे बीट कर सकते हैं तो बढ़िया से ये मिक्स हो जाएगा, लेकिन सभी के पास होता नहीं है तो आप स्पैचुला से ही उसे हल्का सा मिक्स कर दें। गुलकंद आटे के साथ मिक्स होगा लेकिन चीनी और ऑयल को हम मिक्स कर लेते हैं, तो इस तरह से ये मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं आधा कप मिल्क पाउडर और आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट। आज हम रोज कोकोनट फ्लेवर वाली केक बना रहे हैं। अब डालेंगे आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो ये सारा जो मेजरमेंट है आपको सही तरीके से लेना है, अगर आपने मेजरमेंट में गड़बड़ कर दी तो आपकी जो केक है वो बढ़िया नहीं बनेगी। और आप जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल में ले रहे हैं जैसे कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तो वो सारे फ्रेश होने चाहिए। अगर बहुत पुराने हैं तो आप उसका इस्तेमाल ना करें। थोड़ा सा इसमें रोज एसेंस डाल देंगे
तीन से चार बूंदे, और जो हमने मल्टीग्रेन आटा तैयार किया था वो डालेंगे और गेहूं का आटा डालेंगे, मिक्स करेंगे और पानी आवश्यकता के अनुसार इसमें मिलाएंगे। तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी इसमें जाता है, लेकिन फिर भी उसकी क्वांटिटी आपने जो आटा इस्तेमाल में लिया है उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर मैंने अभी 1 कप पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे मिक्स करेंगे। अगर दोस्तों जैसे सर्दियों का मौसम है तो आप हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल कीजिए तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और जब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो आप अपने ओटीजी को प्रीहीट कर लीजिएगा। अगर आपके पास ओटीजी नहीं है तो आप कोई भी कढ़ाई के अंदर नीचे कोई स्टैंड रख दे और उसके ऊपर केक टिन रख के आप केक बेक कर सकते हैं। तभी मैंने पूरा 1 कप पानी इसके अंदर डाल दिया है और जरूरत लगी तो फिर आगे थोड़ा पानी और डालेंगे। आप इसमें से कोई भी फ्लेवर वाली केक बना सकते हैं। आप बनाना केक भी इसमें से बना सकते हैं, चॉकलेट केक भी इसमें से बना सकते हैं। अभी मुझे जरूरत लग रही है तो मैंने 1/2 कप पानी और डाला है, तो कुल मिलाकर मैंने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। गर्मियों के मौसम में आप ये केक 2 से 3 दिन तक और सर्दियों के मौसम में 5 से 6 दिन तक बाहर ही आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। कुछ इस तरह से बैटर की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। तो बैटर हमारा अभी तैयार हो चुका है। ये रोज कोकोनट केक आज हमने बनाई है, तो थोड़ी सी हम जो ड्राई रोज पेटल है यानी कि सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियां वो डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बैटर तैयार हो चुका है। मैंने जो मेरा ओटीजी है उसे प्रीहीट करने के लिए पहले ही रख दिया था जैसे मैंने आपको बताया। तो इसे हम 2 केक टिन के अंदर डालेंगे और मैंने जो केक टिन इस्तेमाल में लिया है वो 6 इंच वाला है। नीचे मैंने इस तरह से लाइनर बिछा दिए है। अगर आपके पास इस तरह के लाइनर नहीं है यानी कि बेकिंग जो पेपर आते हैं वो नहीं है तो आप इसके अंदर ऑयल लगा ले और फिर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर ले। आप चाहे तो बड़े केक टिन के अंदर भी इसे बेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 अलग अलग टिन लिए हैं। और अगर आपको टी टाइम केक का जो रेक्टेंगल केक टिन आता है उसका इस्तेमाल करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो दोनों ही जो केक टिन है उसमें हम आधा आधा डिवाइड करके पॉर कर देंगे। अब उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हम डालने वाले हैं पोस्तदाना। आप चाहे तो कोई भी जो ड्राई फ्रूट आते हैं उसकी बहुत ही पतली सी स्लाइस करके वो भी डाल सकते हैं या फिर बिना गार्निश के भी उसे बेक कर सकते हैं। प्रीहीटेड ओटीजी के अंदर हम इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। तो 160 डिग्री पे हमें इसे बेक करना है 40 टू 45 मिनट्स के लिए। और आपको जो नीचे की कॉइल है वो ही सिर्फ ऑन रखनी है और टाइमर आपको सेट करना है 40-45 मिनट्स वाला। तो हमारी जो केक है वो भी बेक हो चुकी है, उसे हम बाहर निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे। इस तरह का बहुत ही बढ़िया सा कलर इसका आ गया है। टूथपिक से आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो ये क्लीन आ रही है, तो हमारी जो केक है अच्छी तरह से बेक हो चुकी है। अगर इसमें क्लीन नहीं निकल रहा है तो आप 5-10 मिनट के लिए उसे और छोड़ दे पैक करने के लिए। अब इसे ढककर रहने देते हैं। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए मतलब आधे घंटे के बाद, तब आप उसे इस तरह से नाइफ से किनारों से छुड़ा लीजिए। फिर उसे एक प्लेट के ऊपर रख दीजिए और उसे पलट दीजिए, हल्के हाथों से टैप कीजिए तो बहुत ही आसानी से जो केक है वो बाहर आ जाएगी। ये जो लाइनर था इसे हम हटा देंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी केक बनके तैयार हुई है। कोई भी इसे देख के या खा के ये नहीं बता सकेगा कि आपने बिना मैदा बिना बटर के ये केक बनाया है। बहुत बढ़िया टेस्टी सी ये केक की रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करना। रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को जरूर सब्सक्राइब करना। तो फिर से मिलते हैं नई मजेदार रेसिपी के साथ।